वहाँ पे मैं काम करता था, सीखता भी था, दो घंटे सीखता था, दो घंटे वहाँ पे काम करता था। फ्रेशर की एक्सपेक्टेशन दो होती है, एक उसे कोई जॉब मिल जाए, क्या वो कंपनी आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको दे रही है या नहीं दे रही है, अगर नहीं दे रही है आप छोड़ सकते हैं। एक सबसे बहुत ही खुशनुमा वर्ड होता है कैंपस सिलेक्शन, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा सपने टूटते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ वसीम, आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। आज की इस वीडियो में अपने एक फ्रेंड से आपको मिलाने वाला हूँ, इनका नाम है निधि शंकर। निधि शंकर पिछले 9 सालों से IT इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो इनके एक्सपीरियंस, करियर ग्रोथ, फेलियर्स, अचीवमेंट सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। और हाँ, अगर आप चाहे एक फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर, इस वीडियो को देखने के बाद आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिलने वाली है, तो मिस मत करना। हेलो निधि शंकर, कैसे आप हैं? हेलो वसीम। ओके, तो पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप क्या आपने आईटी फील्ड में क्यों चुना? देखिए भाई, 10th के बाद में सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है क्या लें, सब्जेक्ट कैसे चूज करें, और ऐसी क्या बात है जिससे हम सब्जेक्ट चूज कर पाए। ना तो टीचर्स जान पाते हैं इस बात को, क्योंकि हर स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट नहीं दिला सकते, डिपेंड ऑन स्टूडेंट, उसके फैमिली बैकग्राउंड, इन सब पे बहुत मैटर करता है। सो यहाँ मुझे मेरे खुशकिस्मती रही कि मेरे जो सीनियर्स हैं, मेरे जो टीचर्स हैं, मेरे जो पेरेंट्स हैं, उन सब ने मुझे एक छोटा सा आंसर देके फ्री कर दिया कि मैं अपनी मर्जी से एक सब्जेक्ट चूज कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि जो तुम्हारी हॉबी है, जो तुम्हारा पैशन है, जिसमें तुम जाना चाहो, उसमें ही तुम सब्जेक्ट चूज करो। तो बचपन से ही मुझे कंप्यूटर के प्रति एक अलग सा ही अट्रैक्शन था। कंप्यूटर में गेम खेलना, कंप्यूटर को सही करना, उसके साथ छेड़खानी करना कंप्यूटर में, चाहे हार्डवेयर से रिलेटेड हो, चाहे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड ही सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए। सो फिर मैं अपने पेरेंट्स के पास गया, तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग का सजेशन दिया, क्योंकि साइंस मैथ्स लेकर मैं इंजीनियरिंग में जा सकता हूँ, और साइंस मेरी किस्मत से स्कूल में थी, तो मैं उस स्कूल में साइंस लेकर फिर इंजीनियरिंग किया, उसके बाद में IT लाइन स्टार्ट हो गई। ओके, तो आपने डिसाइड कर लिया था स्टार्ट करते हैं, तो मुझे तो कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अभी तक आपने जितना भी काम किया है, मुझे थोड़ा सा समराइज करके बताइए कि यार आपने क्या क्या अचीव कर लिया, किस लेवल का आपने काम कर लिया। देखिए, जब इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग में जैसे आता है, और 4th ईयर के बाद में आता है कैंपस सिलेक्शन। एक सबसे बहुत ही खुशनुमा वर्ड होता है कैंपस सिलेक्शन, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा सपने टूटते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स से। सो मेरा भी सपना टूटा, मैं उन सबसे अलग नहीं हूँ, मैं खुशकिस्मत ही बोलूँगा अपने आप को, लेकिन मेरा सपना टूटा तो किसी अच्छे रीजन की वजह से। मैं कैंपस सिलेक्शन 3 हुए थे, 3 में से 1 में मैं गया, और वहाँ मुझे BPO मिला, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, जो नाम से टेक्निकल है बट ओवरऑल है BPO। थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, एक तरीके का कस्टमर कॉल सर्विस BPO इन द सेंस, आपको एक टारगेट मिलता है, उस टारगेट में मुझे टेक्निकल प्रोडक्ट्स बेचने थे, दैट्स अ टेक्निकल वर्ड। उसके अलावा करना मुझे कॉल था कस्टमर्स को, उनको इंप्रेस करना था और उनको प्रोडक्ट बेचने थे। सो मुझे लगा कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं इंजीनियरिंग में आया था, इस चीज़ के लिए मुझे ये नहीं करना था। 3 महीने तक मैंने किया, बहुत मुश्किल से किया, उसके बाद मैंने उसे छोड़ा, फिर अपने होम टाउन में आ गया। होम टाउन में आके यहाँ, चूंकि कॉलेज से जस्ट निकले थे, फ्रेशर थे, हर कोई तो कंपनी मुझे नहीं लेती, ये बात है 2013 की। तो 2013 के अंदर फिर मैं वापस यहाँ आके एक टीचिंग इंस्टीट्यूट हुआ करता था, वहाँ पे मैं काम करता था, सीखता भी था, दो घंटे वहाँ पे काम करता था। ऐसे करके मैंने 3 महीने वहाँ पे निकाले, ना मुझे सैलरी मिलती थी, ना मैंने फीस दी कभी वहाँ पे, सो इट्स अ विन-विन सिचुएशन। सो उसके बाद में मैंने एक कंपनी में काम किया 6 महीने, वो एक स्टार्टअप कंपनी थी, वहाँ पे एक कोर्स चल रहा था कि 6 महीने आप IT सीख सकते हो। सो इंडस्ट्री लेवल का वो मुझे लर्निंग देते थे, वहाँ मैं 2500 रुपये महीना के हिसाब से जॉब करता था, और वहाँ मैंने HTML, CSS, PHP और जो भी लेटेस्ट फ्रेमवर्क उस टाइम का था, उस पर एक फ्रेमवर्क सीखा मैंने। 6 महीने वहाँ काम करने के बाद में फाइनली मैंने अपनी पहली IT कंपनी के अंदर ज्वाइन किया, जो मेरे होम टाउन में थी। वहाँ पे मेरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो स्टार्ट हुआ, मैंने हर तरह की टेक्नोलॉजी पे काम किया वहाँ पे, जावा से रिलेटेड, PHP से रिलेटेड, डिजाइनिंग से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, डिफरेंट टाइप ऑफ मैंने रोल्स एंड ड्यूटीज निभाई है वहाँ, मैंने क्लाइंट कम्युनिकेशन भी किया है, टीम लीड भी किया है, और ये सब होने के बाद में फाइनली पास्ट ईयर मैंने उस कंपनी को 8 साल के बाद में क्विट किया, और अब मैं अहमदाबाद की कंपनी में काम कर रहा हूँ। अच्छा, चलिए, आपकी जैसा आपने एक साथ अहमदाबाद में काम करें, अहमदाबाद की कंपनी के साथ, उसके बारे में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बट पहले ही बताइए कि जैसे आपको 7-8 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो 7-8 सालों में आपको वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे जिन पे आपने सबसे ज्यादा फोकस किया, या फिर एक फ्रेशर को फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए वो पॉइंट्स पे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज की सारे फ्रेशर्स के मन में ये होता है कि हम इस लेवल तक पहुंचेंगे, कब तक पहुंचेंगे, क्या हमें भी 8 साल लगेंगे। सो ऐसा होता है कि एक फ्रेशर की एक्सपेक्टेशन दो होती है, एक उसे कोई जॉब मिल जाए, दूसरा उसे हैंडसम सैलरी मिल जाए। ऑब्वियसली हम जब पढ़ रहे हैं, हम जब जॉब कर रहे हैं, तो होल सोल हमारा एम पैकेज है, सैलरी है। सो यहाँ पे मेरे साथ में जो मैंने किया, मैं 3 पॉइंट में अपने आप को डिवाइड करूंगा, स्टेबिलिटी, पेशेंस और कोर कंसेप्ट, जो हमारे टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड में कोर कंसेप्ट बोलते हैं, वो हमारे स्टडी मटेरियल को बोलते हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, जिस पे भी हम काम कर रहे हैं, उसके कंसेप्ट को डीप में, रूट में समझना कोर कंसेप्ट है। स्टेबिलिटी मैं ऐसे बोलूंगा कि जैसे आप किसी कंपनी में इन होते हैं, सो बजाय ये सोचने के इस कंपनी से मुझे अगर हाई पैकेज मिलता है तो मैं आगे अगला साल करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। देखिए, हर किसी पे ये रूल नहीं लागू होता कि आपको अच्छी कंपनी में मिल जाएगा पैकेज और वो आपको कंटिन्यू कई साल तक मिलता रहेगा। डिपेंड करता है कि आप जिस कंपनी में जा रहे हैं, क्या वो कंपनी आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको दे रही है या नहीं दे रही है, अगर नहीं दे रही है आप छोड़ सकते हैं। अगर आपको आपका नॉलेज, आप फ्रेशर हैं, आप कंपनी में इन हुए,
एक साल काम किया उसके बाद आप कंपनी छोड़ रहे हैं, बजाय इसके मैं सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट आप 3 साल तक एक कंपनी में अगर एक टेक्नोलॉजी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, अदरवाइज अलग अलग टेक्नोलॉजी में काम करें, कंसेप्ट समझें कंपनी काम कैसे करती है, वहां हम क्या चीज है जो हम स्टडी में नहीं सीख पाए, इंजीनियरिंग में नहीं सीख पाए, जो हमें यहां मिल रही है, उसके बाद आप कंपनी स्विच करें। सो उससे ये आपकी स्टेबिलिटी होती है। पेशेंस मैं ऐसे बोलूंगा कि सेकंड फर्स्ट फ्रेशर जब भी कंपनी में आते हैं अगर वो डिमांड करेंगे 20,000 रुपए महीना मुझे चाहिए, सो मुझे नहीं लगता कोई भी हर किसी को ऐसे बोलूं हर किसी स्टूडेंट को 20,000 रुपए पैकेज मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। सो अगर आपको 7,000 से 10,000 12,000 15,000 जो मैक्सिमम मिल जाए आप एटलीस्ट कंपनी ज्वाइन करें, बिकॉज इंजीनियरिंग करने के बाद अगर आप कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं दैट इज अ ट्रू ड्रीम कम ट्रू होता है कि आपको एटलीस्ट आपकी फील्ड की जॉब मिल गई, उसमें भी अच्छी सैलरी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। बट आप हायर 40,000-50,000 का पैकेज मांगेंगे फ्रेशर के लिए, मेरे ख्याल से आज की इंडस्ट्री में अभी फिलहाल नहीं है, बिकॉज टेक्नोलॉजी पर भी डिपेंड करता है आप किस टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं कंपनी में। सो ये 3 पॉइंट है जिसपे मैं चाहूंगा हर एक फ्रेशर, इवन फ्रेशर नहीं हर एक स्टूडेंट के लिए भी यही लागू होता है, स्टेबिलिटी रखें अपने कोर्स में, क्विट न करें, आप पेशेंस रखें कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, एटलीस्ट आप उस फील्ड में हैं, बाकियों को वो फील्ड भी नहीं मिल पा रहा है ये। उसके बाद आप अपने कोर कंसेप्ट, डीएसए हमारा एक आईटी लाइन का सबसे फेमस सब्जेक्ट है डीएसए, और सबसे वीक सब्जेक्ट होता है बच्चों का, और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होने की वजह से वो वीक होता है। तो ये आप कोर कंसेप्ट समझे कि डीएसए क्यों हमारे फील्ड में है, आगे क्या काम आएगा, पूछें अपने टीचर से और उसको याद करने का उसको समझने का तरीका निकालें। लेकिन हमारी किताबी लैंग्वेज के अंदर वो सबसे थ्योरेटिकल है, हमें डेफिनेशन हटाई जाती है, जबकि एक वर्ड है कॉम्प्लेक्सिटी, आईटी लाइन पूरा कॉम्प्लेक्सिटी पे टिका हुआ है। अगर कॉम्प्लेक्सिटी किसी टेक्नोलॉजी कोड की ज्यादा है वो कोड हम नहीं काम में लेते हैं, हम वही कोड काम में लेते हैं जो सबसे ज्यादा कम कॉम्प्लेक्स है या जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी सबसे लेस है। सो ये एक चीज है जो हम हमारे शायद सारे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगी। अच्छा तो यदि अगर अब हम आपकी करंट प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आप पिछले एक साल से किसी एंडरवर्क कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो अपने करंट प्रोफाइल के बारे में बताइए। जी जुलाई 2021 के अंदर मैं अहमदाबाद मल्टी डॉट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए सेलेक्ट हुआ, और वहाँ पे मैं एज अ वर्डप्रेस स्पेशलाइज्ड के लिए मेरा जॉब रोल है। जैसे मैंने अपने जॉब डाइवर्सिफाई में बताया पोर्टफोलियो के अंदर कि मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ पीएचपी फ्रेमवर्क्स सीएमएस इन पे काम किया, सो वहाँ पे मैंने 3 साल वर्डप्रेस पे काम किया था। वर्डप्रेस इज अ सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जनरली इसको ब्लॉग साइट के लिए काम में लिया जाता है, बट ऐसा है नहीं, ये एक सबसे बड़ा मिथ है कि वर्डप्रेस मतलब ब्लॉग साइट। सो बहुत बड़े बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स इसमें बनते हैं। सो अभी मैं एज ए स्पेशलाइज्ड वर्डप्रेस सीनियर डेवलपर पे काम कर रहा हूँ। वहाँ पे मेरा सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो डेवलपमेंट का रोल रहता है और टीम मैनेजमेंट का रोल रहता है। यहाँ हम थीम और प्लगइन्स डेवलप करते हैं, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को चंक्स में हम डिवाइड करते हैं और फिर उनको इंप्लीमेंट करते हैं वर्डप्रेस के अकॉर्डिंग। अगर हमें लगता है तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क भी उसमें इंटीग्रेट करते हैं। सो ये मेरा जॉब रोल रहता है अभी। ओके तो जैसा आपने बताया आप वर्डप्रेस में काम कर रहे हैं, आई बिलीव काफी सारे फ्रेशर्स ने तो वर्डप्रेस का नाम भी सुना होगा, बट आपको क्या लगता है पिछले 5-6 सालों में वर्डप्रेस कितना चेंज हुआ, मार्केट क्या है वर्डप्रेस का, है ना? बिकॉज ये जानना बहुत जरूरी है फ्रेशर्स के लिए, बिकॉज लोग अंडरएस्टिमेट करते हैं या फिर वर्डप्रेस को ज्यादा कहते हैं कि उसमें ज्यादा कंटेंट देखने को मिलता नहीं है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग जावास्क्रिप्ट या फिर पाइथन इन सब लैंग्वेजेस को प्रमोट करते हैं, और गलत बात नहीं है, बट वर्डप्रेस के डेवलपर्स करते नहीं है। तो आप क्या बताना चाहिए वर्डप्रेस के बारे में? देखिए वर्डप्रेस बहुत नाम से छोटा है और लोगों तक उसकी रीच कम है, या यूं कहूं स्टूडेंट्स के अंदर वो ब्लॉग साइट नाम से फेमस है क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। उसमें आप कोई भी तरह की ब्लॉग बना सकते हैं, अपनी पोस्ट लिख सकते हैं, कहानियां लिख सकते हैं, जितनी भी हम जो लिरिक्स या जो कहानियों की वेबसाइट है वो ब्लॉग में होती है। लेकिन इससे उलट वर्डप्रेस की एक अलग हिस्ट्री और एक अलग उसका पोर्टफोलियो, उसका पूरा का पूरा स्टेज है जहाँ पे आप बड़े से बड़ी वेबसाइट्स आप देख सकते हैं। चाहे आप बाटा जैसे वेबसाइट अगर लेते हैं तो वो वर्डप्रेस के ऊपर बनी है। इवन हर बड़ा ब्रांड जिसकी वेबसाइट बनी हुई है वो कहीं ना कहीं वर्डप्रेस पे थी पहले, पुराने जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। और दूसरा जो डेवलपमेंट की बात करें, जस्ट पीएचपी के अंदर जो काम करते हैं वैसा ही काम वर्डप्रेस के अंदर होता है। इट्स नॉट बिग डील कि हम वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं या पीएचपी पे काम कर रहे हैं, कंसेप्ट वही काम में आते हैं। पीएचपी में हुक्स काम आता है, पीएचपी में डिजाइनिंग काम आती है, पीएचपी में जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट काम आते हैं, जेक्वेरीज लगती है। सिमिलरली वर्डप्रेस में जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें भी काम आते हैं। द थिंग इज कोड क्वालिटी, वर्डप्रेस की एक अलग से कोड क्वालिटी है, वर्डप्रेस ने अलग से अपने एक स्ट्रक्चर दे रखी है, हमें उसको ही फॉलो करना है। उसके वेरिएबल्स और फंक्शंस के नाम का जो पैटर्न है वो हमें फॉलो करना है, उसमें जो डिप्लॉयमेंट होता है वो हमें अलग से मिलता है, वो हमें फॉलो करना होता है। सिमिलर पीएचपी के जो वेबसाइट के लिए हम डोमेन लेते हैं, वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए भी हम डोमेन ले सकते हैं। मेन चीज जो क्या है उसका एडमिन पैनल, वो ट्रेडिशनल एडमिन पैनल आज भी चला रहा है, बट ऐसा नहीं है कि वो उतना ही है। उसके अंदर भी हम अपनी तरफ से एडमिन पैनल इंटीग्रेट कर सकते हैं, हम उसमें REST APIs काम में ले सकते हैं। शायद ये कुछ टर्म्स हैं जो नई होगी आज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, बट REST API एक टर्म है जो वर्डप्रेस अपने आप इंटीग्रेट करके देता है। जब भी हम कोई एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं जिसका बैकएंड अगर पीएचपी में है तो हमें API डेवलप करनी पड़ती है। वर्डप्रेस क्या फीचर देता है कि उसमें API ऑलरेडी प्रीबिल्ट होती है, सिंपली हुक होते हैं या जो उसके फंक्शंस होते हैं उसे वो API डेवलप हो जाती है। 5 सालों में जो चेंज हुआ है वो मैं ये मानूंगा कि ऑप्टिमाइजेशन, स्पीड, सिक्योरिटी, ये जो 3-4 बड़े शब्द हैं जो हर एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में काम आते हैं, वर्डप्रेस ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनहांस किया है। और सबसे बड़ी बात उसका जो लाइब्रेरी है, उसका जो रिसोर्स है, चाहे हम बात करें वेरी वेल नोन स्टैक ओवरफ्लो,
उस पर वर्डप्रेस एक्सचेंज नाम से खुद का एक पोर्टफोलियो है जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। बड़े बड़े जो इंडिया वर्ल्ड के जो डेवलपर्स हैं वो वहाँ पे रिप्लाई करने के लिए बैठे हैं। कम्युनिटी लेवल पे वर्डप्रेस ने काफी काम किया है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। देखो इसमें मैं छोटा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा, वर्डप्रेस देखिए नाम बहुत छोटा है, लोगों के पीछे का मेहनत है, बट रियलमेंट में अगर आप उसके एग्जांपल देखें तो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडियन जितने भी न्यूज़ वेबसाइट्स आप जाके, लेकिन मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स आर बिल्ट ऑन वर्डप्रेस। अब वहां होता क्या है, सेकंडों में न्यूज़ पब्लिश होती है ना, और कितना यूजर बेस आता है, तो वर्डप्रेस खुद वो चीजें मैनेज कर सकता है। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी की इतना लार्ज स्केल पे यूजर आ रहा है, उसके बावजूद भी वो चीजें मैनेज हो रही है आसानी से, जावास्क्रिप्ट में पाइथन सब में होती है, बट वर्डप्रेस की कैपेबल है वो सब चीजें मैनेज करने के लिए। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम बात करें और स्पीड इंडेक्स की बात करें, क्या होता है कि हमारी वेबसाइट अब डेवलप हो गई, उसको गूगल की रैंकिंग में लाना है, वर्डप्रेस कैपेबल है उसको ऑटोमेटिक इंडेक्स में लाने के लिए। आपके फर्स्ट नंबर पे आप खुद डेवलप करके भी ला सकते हैं। जनरली हम देखते हैं कि वेबसाइट हमने बनवाई, उसको स्पीड के लिए हम डिजिटल मार्केटिंग में देते हैं ताकि वो उसका SEO ऊपर करे। वर्डप्रेस में अगर आप डेवलपमेंट जानते हैं तो आप खुद वो काम कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बच्चों के बीच या स्टूडेंट्स के बीच में हमारे स्टडी के अंदर वर्डप्रेस को थोड़ा सा और ईगरली हमें जानने की जरूरत है। अच्छा तो भाई आपने जैसे बताया आपने वर्डप्रेस पे तो काम किया है, बट इसके अलावा भी आपने और भी काफी सारी टेक्नोलॉजी पे काम किया है ना, तो उनको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। जैसे कि मैं समझता हूँ आपने PHP जैसे डाटा साइंस फ्रेमवर्क से काम किया होगा, तो थोड़ा बहुत उनके बारे में बताइए ताकि स्टूडेंट्स या फ्रेशर्स को भी ये भी देखा है उनको थोड़ा बहुत नॉलेज मिल पाए। देखिए IT लाइन के अंदर ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज को हम एलाबोरेट करते हैं। यहाँ पे मेरा जो पोर्टफोलियो है वो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ओपन सोर्स दैट मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, सो हम उनको कहीं से भी डाउनलोड लाइब्रेरीज पैकेजेस डाउनलोड करके हम किसी भी सिस्टम के ऊपर काम स्टार्ट कर सकते हैं और उसको आप एज अ पेड सर्विस काम में ले सकते हैं, यानी आप उसे अर्निंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी कंपनी के सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। सो यहाँ हम बात करें तो सबसे पहला टर्म आता है PHP, जिसी के अंदर सारा कुछ जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम JS फ्रेमवर्क्स की बात करेंगे। तो PHP के अंदर जो मैंने काम किया, सबसे पहले मैंने HTML CSS के ऊपर हाथ साफ किया, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप समझेंगे नहीं कि डिस्प्ले कैसा करना है, फ्रंट में कस्टमर्स को कैसा दिखाना है, तो आप बना भी नहीं सकते। उसके बाद मैंने सबसे ज़्यादा शौकिया काम किया, मैंने jQuery और JavaScript पे काम किया। पूरा एक साल मैंने JavaScript के अंदर डेवलपमेंट करने में लगा दिया। उस समय JavaScript के फ्रेमवर्क नहीं थे, उस समय सिर्फ प्लेन JavaScript होती थी। मैं फॉर्म सबमिट JavaScript से करता, मैं वैलिडेशन JavaScript से लगाता, मैं डिजाइनिंग के अंदर जो इफेक्ट आता है एनिमेशन वो मैं जावास्क्रिप्ट से लगाता। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि यार अच्छा लगता है स्क्रीन के ऊपर कोई टेक्स्ट घूमता है, ग्लोब घूमता है, कोई झोंपड़ी है, झोंपड़ी ऑटोमेटिक बनती है, ये सारी चीज़ें मैं जावास्क्रिप्ट में खुद लगाता था, बट विद यू हेल्प ऑफ इंटरनेट। ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता था, मैं रिसोर्सेज देखता था, मैं स्टैक ओवरफ्लो देखता था। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि केवल इतना ही नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है, तो कोर PHP पे काम किया मैंने। कोर PHP इंक्लूड्स आपका जो PHP के जो कंसेप्ट है वो, उसके अंदर फिर बाद में आया एडवांस कोर PHP, तो उसमें मैंने ऊप्स पे काम किया। जब ऊप्स पे काम किया तो मुझे पता चला कि डेवलपमेंट इज समथिंग डिफरेंट, जो हम PHP करते हैं दैट इज नॉट अप टू द मार्क। कोर PHP पे आने के बाद में मैंने, जैसे मैंने बोला कि मैंने कंपनी स्विच की थी, मैंने जो 8 साल जिस कंपनी में रहा वहाँ मुझे इन सब चीज़ की वैल्यू पता चली, और उसके बाद में मुझे मौका मिला डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेमवर्क पे काम करने का। तो सबसे पहले फ्रेमवर्क आया स्मार्टी, मैंने स्मार्टी PHP फ्रेमवर्क पे काम किया कुछ महीने करने के बाद। फिर मैंने कोड इग्निटर, जो बहुत फेमस था उस टाइम में, जैसे आज शायद लारावेल सबने सुना होगा, वैसे कोड इग्निटर एक फ्रेमवर्क हुआ करता था, बहुत चला था उस टाइम में, मैंने उस पर काम किया। उसके बाद MVC आर्किटेक्चर होता था, वो जस्ट लाइक अ बेसिक फ्रेमवर्क हम बात कर सकते हैं उसको। उसके बाद मैंने वर्डप्रेस पे काम स्टार्ट किया, 3 साल मैंने वर्डप्रेस पे काम किया। वर्डप्रेस के बाद मैंने मजेंटो पे काम किया। मजेंटो भी वर्डप्रेस जैसा ही कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, बट वो जो काम करते हैं वो केवल और केवल ई कॉमर्स प्रोजेक्ट्स के लिए काम आता है। वर्डप्रेस पोर्टफोलियो वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट, डेटा वेबसाइट, आप किसी कंपनी की वेबसाइट बना सकते हैं, आप ब्लॉग सिस्टम भी बना सकते हैं, न्यूज एजेंसी बना सकते हैं, ये सब वर्डप्रेस इज ओपन। बट मजेंटो के अंदर थोड़ी लिमिटेशन है कि आप उसमें ई कॉमर्स के लिए वो स्पेशली बना हुआ है जिसमें कार्ट मैनेजमेंट सिस्टम हो। उसके बाद फाइनली मैं आया लारावेल के अंदर, मतलब मैंने हर तरह के फ्रेमवर्क और CMS पे करने के बाद लारावेल, जैसे जैसे जो जो फेमस आता गया मेरी कंपनी ने मुझे जब अपॉर्चुनिटी मिलती गई, या यूं कहूं मैं कि अपॉर्चुनिटीज आपको सामने से नहीं मिलती, आपको ग्रैब करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं कंपनी में कोई प्रोजेक्ट आया, मेरे कानों में बात पड़ी कि ये मजेंटो में आया है और मेरे पास अभी काम कम है, तो मैंने खुद से एक पोर्टफोलियो अपना बनाया, मैंने डेमोस्ट्रेट किया अपने लीड या रिपोर्टिंग मैनेजर को, सर मुझे मजेंटो में जाना है, क्या करना हुआ। ये मेरा अब तक का मेरा लर्निंग है, आप मेरा टेस्ट ले सकते हो। जैसे वो पेपर लेते मैं क्लियर होता, मेरे को टेक्नोलॉजी मिल जाती। लारावेल पे आने के बाद मैंने देखिए PHP के साथ MySQL जुड़ा हुआ है, मैं डेटाबेस की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं बात करता हूँ लारावेल की, तो वहाँ पे हमारे पास में NoSQL डेटाबेस करके एक टर्म आती है। NoSQL दैट मीन्स जो RDBMS नहीं होता, जैसे फॉर्मेट में होता है, जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, MongoDB एक उसका एग्जांपल है NoSQL। तो मैंने लारावेल के साथ MongoDB पे काम किया, और उसी टाइम में JS फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, तो मैंने VueCLI, जो लारावेल के साथ कंपेटिबल जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, वो VueCLI VueJS इसको बोल सकते हैं, मैंने उस पर भी काम किया। सो यहां तक करने के बाद में मैंने उस कंपनी को क्विट किया था, और जब मैं नेक्स्ट कंपनी में आया तो उस कंपनी को वर्डप्रेस में रिक्वायरमेंट थी, बट वो स्पेशलाइज देख रहे थे। अब यहाँ पे एक टर्म आती है कि स्पेशलाइजेशन क्या होता है और नॉर्मल जब हम काम करते हैं उसमें क्या होता है। तो देखिए स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि आप उसके जो कोर वैल्यूज है, जो कोर कंसेप्ट है, जिस टेक्नोलॉजी पर वो बना हुआ है, उनकी कोर फाइल्स में क्या कोड लिखा हुआ है,
उसको आपको ओवरराइड करना है या उसको आपको यूज करना है, दैट इज स्पेशलाइजेशन. एक डॉक्टर स्पेशलाइज का बनता है जब वो नब्ज देके बता दे बीमारी क्या है, वो स्पेशलाइज्ड है, वो हाथ रख के बता दे आपको ये रोग है. दैट मीन्स अगर कोई वर्डप्रेस वेबसाइट में कोई एरर आ रखी है तो आपको एरर देख के पता लग जाएगी, एरर इस फला फला फाइल से फला फला कोड से ये चेंज करने से दूर हो जाएगी, दैट इज स्पेशलाइजेशन. सो हमें गूगल न करना पड़े. इनडायरेक्टली मैं ये बोलूँ, किसी भी 90% या 99% चीजों के लिए हमें गूगल न करना पड़े. सो इस टेक्नोलॉजी पे मुझे काम करने को मिला. यहाँ एक साल से मैं स्पेशलाइजेशन में काम कर रहा हूँ. अब जो लोग वर्डप्रेस जानते हैं, मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ. हम लोग वर्डप्रेस में कुछ भी करने के लिए प्लगइन गूगल से लेते हैं, wordpress.org से लेते हैं, डाउनलोड किया, इंप्लीमेंट किया, इंस्टॉल किया, एक्टिवेट किया, काम हो गया. स्पेशलाइज जो लोग होते हैं वो पहले देखते हैं कि प्लगइन में क्या मिल रहा है, कि ये पर्टिकुलर फंक्शनलिटी है, क्या मैं उसको अपने लेवल पर बना सकता हूँ. वो अपने लेवल पर उस कोड को लिख देते हैं और वो स्पेशलाइजेशन काउंट होता है. सो विदाउट यूजिंग थर्ड पार्टी प्लगइन्स और थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, दे राइट देयर ओन, वो खुद से वो चीज लिख देते हैं, दैट इज स्पेशलाइजेशन. वर्डप्रेस में एक बेनिफिट ये है ना कि जो प्लगइन आपने देखा आपको लगा कि आप कस्टम बना सकते हैं, वो प्लगइन आप आगे सेल आउट कर सकते हैं. वो सेल आउट कर सकते हैं. सो हम शायद इस पे हम बात करें आगे कि कैसे हम अर्निंग कर सकते हैं वर्डप्रेस में. सो या कंपनीज कैसे उसको अर्न करती है. सो कंपनीज अपना खुद का एक स्टोर बनाती है, जस्ट लाइक एक ऑनलाइन स्टोर, जहां पे वो जो भी मार्केट में जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे न्यूज लेटर प्लगइन हो गया, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया, जैसे किसी का यूजर का डेटाबेस मैनेज करना हो गया, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, इनके वो प्लगइन्स बना देती है. प्लगइन इज नथिंग, एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है, बट वो वर्डप्रेस के साथ ही चलेगा. वो उसको कुछ रुपए या डॉलर के अंदर वो बेचती है, तो वहां से उसकी साइड अर्निंग होती है. वो काम हम भी कर सकते हैं. वो काम एज आप स्टूडेंट, अगर आपको वर्डप्रेस का शौक है, आप प्लगइन बनाए, अपना स्टोर बना के खुद बेच सकते हैं और बिकते हैं. आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल करवा सकते हैं, आप उसके फ्री वर्जन और पेड वर्जन अवेलेबल करवा सकते हैं. अच्छा भाई, आपने यहाँ पे थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में जिक्र किया, तो एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि चाहे कोई फ्रेशर हो या जनरल फ्रेशर्स के लिए काउंट होगा यहाँ पे, फ्रेशर को अगर किसी ड्रीम कंपनी को लेकर टारगेट आ रहा है तो उसको किस तरीके से उसको प्रिपेयर करना चाहिए. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. और जब मैं फ्रेशर था तो मुझे भी ये सवाल आता था कि यार मुझे कौन बताएगा कि मैं कंपनी, जैसे मेरी ड्रीम कंपनी फॉर एग्जाम्पल HP थी या है, तो मैं कैसे HP में जा सकता हूँ. HP वाले तो मुझे आएंगे और चेक करेंगे नहीं, सो मैं कैसे अप्रोच करूँ. तो यहाँ पे तीन चार चीजें होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी जो 4 साल की जर्नी है उसमें कोशिश करें, या 3 साल की जो भी आपकी ग्रेजुएशन है या PG है, बैकलॉग कम से कम रखें. जो यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए काउंट होता है, एक्सपीरियंस होल्डर के लिए बैक फेल होना, सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन मैटर नहीं करता, बट फ्रेशर के लिए ये बहुत मैटर करता है कि आपके 12th में एटलीस्ट सेकंड डिवीजन या 60% के नियर मार्क्स हो. ग्रेजुएशन के अंदर आपकी मार्क्स मैटर नहीं करते, बट आपकी बैकलॉग मैटर करती है. और तीसरी जो चीज़ आपकी करती है, आपकी प्रेजेंस, आप कैसे प्रेजेंस करते हैं अपने आप को, यानी आप अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करते हैं. सो बिफोर दैट हम ये बात करें कि जो भी आपकी ड्रीम कंपनी या कंपनीज हैं, आप उनकी वेबसाइट पर जाएं, देखिए उनको इंडस्ट्री में किस लेवल पे काम कर रही है. कुछ कंपनीज होती है जो सोसाइटी के अंदर फील्ड में काम करती है, कुछ सर्विस मैनेजमेंट होती है. जैसे हम बात करें HP, वो सर्विस मैनेजमेंट है. HP के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ हार्डवेयर्स हैं और कुछ सर्विसेज हैं जो वो प्रोवाइड करवाती है. और जैसे हम इंफोसिस की बात करें, इंफोसिस के अंदर आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो चेक करेंगे कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब रोल उनके पास अवेलेबल है. करियर पेज पे जाएं, करियर पेज पे जो जॉब रोल आते हैं उनके डिस्क्रिप्शन को पढ़ें. आप डिस्क्रिप्शन को पढ़ के समझें कि जो आपने टेक्नोलॉजी पे पढ़ी है या जो आपने 4 साल 3 साल में जो पढ़ा है, क्या वो अप टू द मार्क है, नहीं है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप जॉब रोल ढूंढें. उसके बाद जो मेन चीज़ आती है आपका रिज्यूमे, जो आप CV जिसको बोलते हैं. कभी भी कोशिश करें कि आप एक के दूसरे को कॉपी ना करें. कॉपी करने से काफी अननेसेसरी चीजें भी कॉपी हो जाती है उसमें, जैसे उसकी हॉबीज कॉपी हो गई, जैसे वो जो टू डू लैंग्वेज जो ऊपर ऊपर ऑब्जेक्टिव आता है वो कॉपी हो गया. ऑब्जेक्टिव वो है जो आप एज अ फ्रेशर ऑब्जेक्टिव नोट किया जाता है. आप अपने बारे में बताएं ऑब्जेक्टिव में कि आप हार्ड वर्किंग है, डेवलपमेंट करना जानते हैं, आपकी पैशन है आपका डेवलपमेंट, आप उसमें जाएं. उसके बाद आप अपनी जो चीज़ें एक्स्ट्रा आती है, जैसे गूगल पे R&D आपकी स्ट्रॉन्ग है, आपने C++ जो जनरली हम लोग करते हैं, DSA आपका स्ट्रॉन्ग है, उप्स कंसेप्ट आपकी स्ट्रॉन्ग है, जो चीज़ आपके स्ट्रॉन्ग है उन चीज़ों को आप उसमें हाईलाइट करें. आप अपने बारे में बताएं कि आप अपने हॉबीज के अंदर क्या क्या इंक्लूड करना चाहते हैं, आपकी ग्रेडिंग्स क्या है, वो सब इंक्लूड करें 10th 12th और ग्रेजुएशन से रिलेटेड. इतना सब होने के बाद में जो थर्ड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है, आपका सॉफ्ट स्किल. आप जब इंटरव्यू राउंड क्रैक करने जाएंगे तो कोशिश करें आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करें, और इंग्लिश में कम्युनिकेट करने के साथ साथ आप हिचके नहीं, जो क्वेश्चंस का आंसर आपको आता है टू द पॉइंट होना चाहिए. उसके बाद जब आप बात कर रहे हैं, आप आई कॉन्टैक्ट रहना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए. उसके लिए आप मिरर एक्सरसाइज कर सकते हैं. आप अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरव्यू राउंड, मॉक इंटरव्यू जिसको हम बोलते हैं, वो क्रैक कर सकते हैं. या मिरर इंटरव्यू की मैं एक बात करना चाहूंगा. मिरर आपके घर में, सबके घर में मिरर होता है और हम सबको कहीं ना कहीं पता होता है इंटरव्यू में क्या राउंड होता है. टेल मी अबाउट योरसेल्फ, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन. आप कांच के सामने खड़े हो जाएं, आप अपने आप से पहले क्वेश्चन पूछें, फिर अपना आंसर खुद ही बोलें. साथ में मोबाइल के अंदर अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू रखें, तो जब आप बोलेंगे और उसके बाद में रिकॉर्डिंग ऑफ करके जब सुनेंगे तो आपको 90% एरर्स मिस्टेक्स खुद ही पता चल जाएगी. दैट इज मिरर एक्सरसाइज. बहुत बड़े बड़े जो भी स्पीकर्स होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स, वो आज भी इस मिरर एक्सरसाइज को यूज करते हैं. सो आई थिंक दैट कैन बी अ टिप फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. आप कहीं पर भी इंटरव्यू में जाएं, उससे पहले मिरर एक्सरसाइज कर सकते हैं. अच्छा, तो भाई लास्ट क्वेश्चन रखता हूं मैं आपसे, ये कि कोई भी फ्रेशर हो, जाहिर सी बात है सब लोग पहले जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, दैट इज गुड, कोई गलत बात नहीं है. तो जाहिर सी बात है जॉब करेंगे तो कुछ पैसा बनाएंगे, बट आप कुछ और तरीके बताना चाहेंगे कि यार कोई भी फ्रेशर या फिर कोई भी प्रोफेशनल पर्सन जो मतलब साइड इनकम के तरीके से एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर किन किन तरीकों से पैसा बना सकता है.
इसमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं. सो हम उन फैक्टर्स पे थोड़े कम लेवल पे जाके हम बात करते हैं मेथड ऑफ अर्निंग्स, जो हम चाहे आप बीसीए करें, एमसीए करें, ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग करें. सबसे पहला तो जॉब है कि हम फ्रेशर आए, कंपनीज हमने डिसाइड की, कैंपस सिलेक्शन किया. जैसे हम कैंपस सिलेक्शन की बात करते हैं कि जॉब लगने के क्या तरीके हैं, कि एक तो कैंपस में होता है, एक ऑफ कैंपस होता है, वैसे अर्निंग करने के तरीके, एक जॉब होता है, एक फ्रीलांसर होता है. अब यहाँ पे थोड़ा समझना की जरूरत है कि फ्रीलांसर कोई एक एम्प्लॉय नहीं होता. फ्रीलांसर का मतलब ही है कि वो फ्रीली अपने अकॉर्डिंग काम करता है, जिस रेंज में उसको काम करना है, जिस प्राइस बैंड पे उसको काम करना है, जिस टाइम जोन में उसको काम करना है, जिस क्लाइंट के लिए उसको काम करना है, एक एन अप्रोच. अब जैसे कंपनीज में हम जाते हैं, वैसे क्लाइंट के पास में भी हमें जाना होगा. तो फ्रीलांसर के अपने चैलेंजेस हैं, उसके लिए हम डिटेल में हम आर एंड डी कर सकते हैं, गूगल पे हम सर्च कर सकते हैं. कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप एज अ फ्रीलांसर अपने आपको रजिस्टर कर सकते हैं, तो उन पे क्लाइंट्स आते हैं, वो क्लाइंट आपको अप्रोच करेंगे आपकी टेक्नोलॉजीज के अकॉर्डिंग. बट ऐसा नहीं कि फ्रेशर्स को डायरेक्ट फ्रीलांसर के लिए अप्लाई करने से पैकेज मिल जाता है या पैसा मिल जाता है. आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे बेसिक्स, टेक्नोलॉजीज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. अगर आप एंगुलर में जाते हैं तो एंगुलर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. एटलीस्ट आपने कोई दो तीन प्रोजेक्ट्स बना रखे हों, खुद के लिए बनाए, सबसे पहले छोटे छोटे एक्सरसाइज खुद के लिए करें, फिर क्लाइंट्स के लिए करें. धीरे धीरे जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बनता रहेगा, आपको अपनी हाइकिंग मिलती रहेगी. इवन काफ़ी बार मैंने देखा कि कुछ ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जो फ्रेशर्स पूरे महीने में नहीं कमा पाते, उसका दुगना वो एक दिन में कमा जाते हैं. क्योंकि फ्रीलांसर्स के लिए यहाँ मैं बताऊंगा आर्ली रेट चलती है, पर घंटे के हिसाब से उनकी कॉस्टिंग होती है. अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं तो आपकी आप कंपेयर कीजिए, 1000 रुपये अगर एक घंटे के हिसाब से आप चार्ज कर रहे हैं, तो आप 8000 रुपये महीने के नहीं, आप दिन के चार्ज कर रहे हैं. ऐसा आप अगर 30 दिन कर रहे हैं तो आप गैस कर सकते हैं कि आप पैकेज क्या बन गया. और यहाँ पे फ्रीलांसर के पास पावर होती है कि वो एक साथ मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए भी काम कर सकते हैं. आपने एक यूएस का क्लाइंट ले लिया, एक ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट ले लिया, और एक दुबई का क्लाइंट अगर आपके पास आ गए, और एक इंडिया का भी क्लाइंट अगर आपके पास आ जाते हैं, सो आप अपने छुट्टी, अपनी हॉलीडेज को डिक्लेयर कर सकते हैं, आप काम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं. सो ये सेकंड तरीका है. थर्ड जो है एजुकेशन से रिलेटेड है. कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डेवलपमेंट में जॉब नहीं करना होता है, लेकिन उनको टीचिंग का शौक होता है. जैसे मेरा एक शौक टीचिंग भी रहा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कभी कभी टीचिंग का शौक वापस से चल जाता है. सो इंजीनियरिंग करने के बाद, बीसीए करने के बाद, बीकॉम भी इवन, आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में. खुद पढ़ें, मेरे कुछ ऐसे नॉन टीचर्स हैं जो अपने ग्रेजुएशन के बाद में खुद पढ़े, खुद ने एज अ फ्रीलांसर काम किया, उनको काम नहीं जमा, बट उनको शौक अच्छा लगा कि पढ़ के पढ़ाया जा सकता है. सो आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद बच्चों को पढ़ा सकते हैं. आपको काउंसलिंग देनी है, आप काउंसलिंग दे सकते हैं. सो ये भी एक वे ऑफ फंडिंग है, अच्छा वे ऑफ फंडिंग है. कंसल्टेंसी जिसको हम बोल सकते हैं, आप दे सकते हैं. ओके, तो बेसिकली ये क्या मुझे अपना होम टाउन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे होम टाउन में अच्छी कंपनीज नहीं है. ये शायद आप में से बहुतों का क्वेश्चन होगा. सो यहाँ ये बोलूंगा, फ्रीलांसर के पास ये पावर होती है कि यू बी इन योर होम टाउन, आप अपने होम टाउन में रह के काम कर सकते हैं. सो अगर आपके पास में ऐसा है कि आपको बैंगलोर नहीं जा सकते हो, फैमिली सिचुएशन है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप फ्रीलांसर किसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो. वो आपको फ्रीलांसर एज अ ट्रीट करके आपका एक्सपीरियंस बिल्डअप कर सकती है. उसके बाद आप किसी और क्लाइंट के लिए काम कर सकते हो. जब तक प्रोजेक्ट चलता है तब तक आप उसके साथ अलाइंड हो. जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म होता है आप किसी दूसरे क्लाइंट के लिए काम कर सकते हो. सो यहाँ स्टेबिलिटी है एक प्रोजेक्ट में रहने की, क्विट नहीं करना है, टेक्नोलॉजी सीखने की, पेशेंस है कि जितना पैसा इस बार मिल रहा है उससे ज्यादा आपको अगली बार मिलेगा. तो ये टिक हो सकता है आपके लिए. ओके, बेसिकली बहुत अच्छा पॉडकास्ट है सर, मेरे लिए भी काफी लर्निंग एक्सपीरियंस था, आई होप व्यूअर्स के लिए भी रहा होगा. तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच फॉर कम हियर ऑन माय कॉल. मैं भी आशा करता हूं कि जितने भी आपके व्यूअर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको बहुत बेनिफिट मिले इस वीडियो का, इस पॉडकास्ट का. और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में सुन के, कुछ आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और इसमें आप अपने क्वेश्चंस रखें. हम आगे कोशिश करेंगे कि वसीम भाई के साथ में हम वापस से आएँ और आपके साथ उन क्वेश्चंस का आंसर हम दे सकें. और ऑब्वियसली सेलेक्ट कर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपके पास में आती रहे. ओके, सो क्लोज करते हैं. थैंक यू वेरी मच. ओके, थैंक यू.